हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर आपको 15,000 में बहुत सारे 5G स्मार्टफोन मिल जाते हैं, बट वो उतने अच्छे नहीं होते। उनमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है 5G नेटवर्क के लिए। बने रहिए वीडियो के इन तक। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 20,000। अगर आपका जो बजट है वो 20,000 के अंदर है तो आप इनमें से कोई भी एक स्मार्टफोन ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो फोन मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको तगड़ा प्रोसेसर, तगड़ा कैमरा, तगड़ी बैटरी, मतलब कि आपको सब कुछ एकदम हाई लेवल का मिल जाएगा। ये पाँचों स्मार्टफोन अपने फील्ड में बेस्ट है। कोई कैमरे में बेस्ट है तो कोई बैटरी में बेस्ट है, तो कोई डिस्प्ले में बेस्ट है, तो कोई प्रोसेसर में बेस्ट है। इसलिए दोस्तों आप ये मत सोचना कि जो फिफ्थ वाला स्मार्टफोन है वो सबसे ख़राब है और जो फर्स्ट नंबर वाला स्मार्टफोन है वो सबसे बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे लिस्ट में फिफ्थ नंबर में रैंक करता है वो है लाभा की तरफ से लाभा अग्नि 5G। और ये जो स्मार्टफोन है एक इंडियन स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन एकदम प्रीमियम लुक के साथ आता है, जिससे कि आप जब इस स्मार्टफोन को पकड़ोगे तो ये 25,000 से 30,000 वाला स्मार्टफोन लगेगा। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस दिया हुआ है। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी है। इसके बैक में आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वेड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। एंड इसके फ्रंट में लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे से आप 1080p में 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो एकदम डिसेंट है। 5000mAh का बड़ा बैटरी दिया है। इसको चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। स्टॉक एंड्रॉइड का फीचर मिलता है, जिससे कि आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810U का चिपसेट मिलता है, जो कि 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिससे कि आपका जो बैटरी है बहुत ही कम ड्रेन होगा। ओवरऑल देखें तो ये जो स्मार्टफोन है वो गेमिंग में या फिर नॉर्मल यूज में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। 6.78 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले दिया है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया हुआ है। गाइस इसके डिस्प्ले से आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। ये स्मार्टफोन 3 5G बैंड को सपोर्ट करता। अगर 5 या 7 5G बैंड को सपोर्ट करता तो मैं इसको फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन बोल सकता था, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है बस 3 ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है। इसके 8128 का जो प्राइस है वो है 19,999 रुपये। अब गाइस मैं बता देता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है वो किस यूजर के लिए। तो अगर आपको एक ऑलराउंडर 5G इंडियन स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में फोर्थ नंबर में रैंक करता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी 8S 5G। गाइस इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो लाभा अग्नि 5G की तरह ही है, फिर भी मैं आपको इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बता देता हूँ। 5000mAh का बड़ा बैटरी दिया है। इसको चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके बैक में आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। एंड इसके फ्रंट में लगा है 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा। इसके दोनों ही कैमरे से आप 1080p में 30fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओवरऑल देखें तो इसका जो कैमरा का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। गाइस सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 20x का जूम देखने को मिल जाता है। 6.5 इंच का फुल HD+ IPS डिस्प्ले दिया है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, एंड 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810U का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, मतलब कि गेमिंग में या फिर नॉर्मल यूज में काफ़ी आपका बैटरी कम ड्रेन होगा एंड आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है। इसके 6128 का जो प्राइस है वो है 17,999 रुपये। और अब मैं बता देता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है वो किस यूजर के लिए है। तो अगर आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, उसके साथ एक 5G फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, तब आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो है वीवो की तरफ से वीवो V21e 5G। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है इसका, जिससे कि ये जो स्मार्टफोन है वो 25 से 30 हज़ार वाला लगेगा। 4000mAh का बड़ा बैटरी दिया है एंड इसको चार्ज करने के लिए 44W का इनबॉक्स चार्जर भी है। बैटरी तो कम है गाइस, लेकिन इसका जो चार्जर है वो फास्ट चार्जर है, जिससे कि आपको फील नहीं होगा कि आपका जो बैटरी है वो कम है। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है एंड फोन को अनलॉक करने के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है।
इसके बैक में आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसका जो कैमरा का परफॉर्मेंस है वो एकदम तगड़ा है, इसके कैमरे से आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। इसके डिस्प्ले से आपको बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस मिल जाएगा, इसके डिस्प्ले से भी आपको कोई शिकायत नहीं होगा। MediaTek Dimensity 700U का 5G चिपसेट दिया है जो कि 7nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, मतलब कि आपको गेमिंग में बैटरी जो है वो कम ड्रेन होगा एंड गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाएगा। एंड गाइस ये जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ एक ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है। वर्चुअली आप इस स्मार्टफोन का 4GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हो। इसके 8128 का जो प्राइस है वो है 22,000 रुपए और अभी ऑफर के चलते आपको ये जो स्मार्टफोन वो 20,000 में आराम से मिल जाएगा, या फिर अगर आप ऑफर खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी देखते हो तो 1,000 से 1,500 तो आपको डिस्काउंट में मिल ही जाएगा। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर में रैंक करता है वो है मोटो की तरफ से मोटो S20 फ्यूजन, और ये जो स्मार्टफोन एकदम ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, प्लस ये फ्यूचर प्रूफ भी 5G स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है एकदम फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है। प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है जिससे कि आपको जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, इंप्रेसिव लुक है इस स्मार्टफोन का। 5000mAh का बड़ा बैटरी दिया है, इसको चार्ज करने के लिए 30W का इनबॉक्स चार्जर भी है। MediaTek Dimensity 800U का 5G चिपसेट दिया है जो कि आपको काफ़ी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस दे देगा। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो इसके बैक में आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसमें आपको कैमरा फीचर्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं और इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है एकदम तगड़ा है, हाई लेवल की फोटोज क्लिक कर पाओगे इसके दोनों ही कैमरे से आप। 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके डिस्प्ले का परफॉर्मेंस एकदम अमेजिंग है। इसके 6128 का जो प्राइस है वो है 21,499 रुपए एंड 8128 का जो प्राइस है वो है 22,999 रुपए। गाइस अब मैं बता देता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है किस चीज के लिए। तो अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के इन तक और अब बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आपको एक लाइक करने में उतना मेहनत नहीं लगेगा जितना हमको एक वीडियो बनाने में लगता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11T 5G। गाइस ये जो स्मार्टफोन है वो हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है एंड ये भी स्मार्टफोन प्रीमियम लुक के साथ आता है। 5000mAh का बड़ा बैटरी दिया है, इसको चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है। डुअल स्टूडियो स्पीकर दिया हुआ है जिससे कि आपको ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छा मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो इसके बैक में आपको 50MP प्लस 8MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, तो अगर आपको एक कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस स्मार्टफोन की तरफ मत जाना। MediaTek Dimensity 810U का 5G चिपसेट दिया है जो कि 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है एंड इस स्मार्टफोन से आपको काफ़ी तगड़ा गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और गाइस इस स्मार्टफोन में आप वर्चुअली 3GB तक रैम बढ़ा सकते हो। 7 से 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि ये भी स्मार्टफोन फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है। 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। इसके 6128 का जो प्राइस है वो है 15,999 रुपए, 8128 का जो प्राइस है वो है 17,999 रुपए। गाइस अब मैं बता देता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है वो किस यूजर के। तो अगर आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। तो गाइस ये थे टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 20,000 और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हो, गेमिंग हो, कैमरा हो, नॉन चाइनीज हो, बैटरी है, जो स्मार्टफोन है सभी स्मार्टफोन मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा जिससे कि हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।